तो है व्हाट्सअप पीपल, मेरा नाम है तुषार सिंघल। तो गाइस आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम रील्स कैसे वायरल कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई बहुत से बंदे होंगे कि उन्होंने ये चीज अभी स्किप कर दी होगी, है ना। बहुत से बंदे होंगे कि भाई जो वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। कुछ ही ऐसे बंदे होंगे जो अब तक इस वीडियो में होंगे, तो वो जो बंदे हैं ना, आज उनको एक ऐसा मेथड मिलने वाला है ना भाई, आपकी किस्मत खुलने वाली है, सच बता रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, सच में वैसे इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई प्लीज इसको स्किप मत करना, ठीक है ना। पूरा लास्ट तक देखना, अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखने वाला हूँ मैं। पहले ये बताऊंगा आपको कि भाई इंस्टाग्राम रील्स वायरल होती कैसे, इसके एल्गोरिथम्स क्या है। जैसे कि आपको पता है मैं टिकटॉक के एल्गोरिथम्स बताता था कि टिकटॉक में जो आप अपनी टिकटॉक वीडियोस कैसे वायरल कर सकते हो, ठीक है ना, उसके एल्गोरिथम्स क्या है। क्योंकि भाई अगर आप एल्गोरिथम्स के हिसाब से चलोगे तभी आपकी टिकटॉक, यूट्यूब की वीडियोस, इंस्टाग्राम की रील्स, इंस्टाग्राम की वीडियोस, हर प्लेटफॉर्म की वीडियोस आपके तभी वायरल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने सर्च करा है बहुत ज्यादा और मुझे पता चला कि भाई इंस्टाग्राम रील्स के एल्गोरिथम्स क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरल होती कैसे है, इसके एल्गोरिथम्स वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। सपोज करो आपने कोई वीडियो अपलोड करी, ठीक है ना। बहुत से लोगों को पता होगा कि जो मैंने सेम टिकटॉक वाला ही एल्गोरिथम्स था इसका लगभग, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों को पता होगा, तो जिनको नहीं पता मैं उसको बताता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है ना। सपोज करो कि आप किसी की इंस्टाग्राम रील्स यहां पर देखे जा रहे हो, ठीक है ना। तो भाई क्या होता है, जब आप काफी वीडियोस ऐसी होती हैं, आप स्वाइप अप करते रहते हो उनको, ठीक है ना, स्वाइप अप करते रहते हो। तो भाई पता क्या हो रहा है कि जब आप सपोज करो आपने 3 वीडियो स्वाइप अप कर दे, ठीक है ना, आपको अच्छी लगी, आपने हल्का से देखे स्वाइप कर दे, ठीक है ना। तो भाई क्या होगा, आपका उस वीडियो पे क्लिक तो चला गया, ठीक है ना। जाहिर सी बात है मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। आपका उस वीडियो पे क्लिक तो चला गया और आपने कितने सेकंड तक देखी, 2 या 3 सेकंड तक देखे, उसको स्किप कर दे, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम्स पता क्या समझते हैं, यार बंदे इसको स्किप कर रहे हैं, इस वीडियो में दम नहीं है, समझ लो मेरी बात, इस वीडियो में दम नहीं है, सारा खेल वॉच टाइम का है, इस वीडियो में दम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपने स्किप कर लिया, बहुत से लोग भी करेंगे, क्योंकि भाई एक अच्छी चीज जो होती है ना वो सबको धीरे धीरे पसंद आती है, ठीक है ना। तो भाई यहां पर आता है, हाँ ठीक है ना। तो आपने इसको स्किप करा, काफी बंदे इसको स्किप करेंगे, तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम्स है ना उस वीडियो को डाउन में रख देंगे, बिल्कुल नीचे छुपा देंगे, किसी के पास भेजेंगे भी नहीं। क्योंकि भाई हर कोई बंदा चाहता है कि जो रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स ये चाहता है कि जो बंदा रील्स देख रहा है हम उसको अच्छी से अच्छी रील्स प्रोवाइड करवाएं, ठीक है ना। तो वो अच्छी रील्स कैसे प्रोवाइड करवाएगा, तब आपकी रील्स, जब आपकी रील्स में अच्छा वॉच टाइम होगा, ठीक है ना। अब वॉच टाइम क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो आप जो स्वाइप अप कर जा रहे हो, बट ऐसी बीच में कोई रील्स आती है आपको अच्छी लगी, आपने पूरा देखा उसको, ठीक है ना, आपने पूरा उसको वॉच किया, ये होता है हमारा वॉच टाइम, ठीक है ना। आपने उसको पूरा वॉच किया, उसके बाद आप दोबारा भी करोगे, जाहिर सी बात है आपको एक बार में तो मन भरता नहीं है, आप उसको दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, ठीक है ना। तो उस वीडियो का वॉच टाइम बढ़ रहा है, वो वीडियो 15 सेकंड की, आपने 3 बार देख ली, तो कितने सेकंड हो गए, 45 सेकंड। उस वीडियो का 45 सेकंड वॉच टाइम बढ़ गया, मतलब एक ही बंदे ने 45 सेकंड का वॉच टाइम दे दिया उस वीडियो को, सोच पा रहे हो। आपने एक वीडियो को तो 2 सेकंड का वॉच टाइम दिया और दूसरी वीडियो को आपने दे दिया 45 सेकंड का वॉच टाइम। तो जाहिर सी बात है जो रील्स के एल्गोरिथम्स हैं वो ये सोचेंगे कि भाई इस बंदे ने इस वीडियो को 45 सेकंड का वॉच टाइम दिया है, तो भाई ये वीडियो कितनी अच्छी होगी, और जाहिर सी बात है अच्छी है तो भाई उसको और जो पब्लिक है उसको अच्छा खासा वॉच टाइम दे रही होगी इस वीडियो को। तो इंस्टाग्राम की रील्स उस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक और भेजेगी कि इसको देखो देखो इस वीडियो को देखो, और काफी लोगों ने उसको अच्छा खासा वॉच टाइम दे दिया। तो वो रील्स कभी भी नहीं रुकने की है, बढ़ती जाएगी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। आप आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये वॉच टाइम का खेल होता क्या है, ठीक है ना। ये होता है वॉच टाइम आपका, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी रील्स अपलोड करते हो, अब मैं आपको तरीके बताता हूं, आपने अपनी रील्स अपलोड करी, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप अपनी रील्स को खुद देखो कि मैं इसको देख पा रहा हूं, अगर ऐसे समझो कि मैं नहीं हूं, ठीक है ना, किसी और की रील्स है तो मतलब मुझे अच्छी लग रही है, मैं इस रील्स को स्वाइप अप करता या फिर देखता। जब हम अपनी रील्स बनाते हैं ना, ये मैंने खुद में अपनी में भी कमी देखी है मैंने, ठीक है ना, जब हम अपनी रील्स बनाते हैं तो हमको वो अच्छी ही लगती है, क्योंकि हमने उसको मेहनत करी, हमको वो अच्छी ही लगती है। बट अपने ऐसा सोचो कि भाई मैं नहीं बना रहा, किसी और ने बनाई है, तब वो हमको रील्स बेकार लगेगी, सच बता रहा हूं, एक बार करके देखना, बेकार लगी ना तो उसको हटा दो। जब आप उसको डालोगे तो पब्लिक जो होगी उसको स्वाइप अप कर देगी, तो भाई वो रील्स कभी वायरल हो ही नहीं सकती है। आप ये कोशिश करो, आप ऐसी एक रील्स बनाओ जिस पे पब्लिक वॉच टाइम दे, अच्छा खासा वॉच टाइम दे उस पे, ठीक है ना। अब ये गलती बिल्कुल मत कर देना, कभी आप अपनी रील्स अपलोड करें खुद ही देखे जा रहे हो 1 घंटा तक हो गया, तो भाई रील्स ना जो इंस्टाग्राम की रील्स है ना उसको बिल्कुल पहुंचा देगी, भाई वो रील्स सोचेगी, रील्स के एल्गोरिथम सोचेंगे कि भाई दूसरों को तो मौका नहीं दे रहा, खुद ही देखे जा रहा है, खुद अपनी वीडियो बिल्कुल भी मत देखा करो, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं कि आप ये अच्छा खासा वॉच टाइम ला कैसे सकते हो। आपने रील्स अपलोड करी, ठीक है ना, सबसे पहले मैंने आपको तरीका ये बताया, आप देखो कि ये रील्स मैं स्वाइप अप करता या फिर इसको देखता पूरा, इस पे कितना वॉच टाइम दे सकता था मैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी रील्स अच्छी है फिर बुरी है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो, लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ो। YouTube पे ऐसा फंक्शन है, जैसे कि काफी लोगों ने मेरा ये जो वीडियो है स्किप भी करी होगी आगे 10 सेकंड के लिए, ठीक है ना। YouTube पे फंक्शन है, Instagram रील्स पे फंक्शन है नहीं है।
अगर आप लास्ट में कोई सस्पेंस छोड़ोगे तो वो सस्पेंस देखने के लिए पब्लिक आपकी रील्स पूरा वॉच करेगी। समझ पा रहे हो? पब्लिक आपकी रील्स पूरा वॉच करेगी केवल वो सस्पेंस देखने के लिए, चाहे आपकी रील्स बीच में कितनी खराब हो, पर आगे करने का कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो पब्लिक आपकी रील्स पूरा देखेगी वो ये सस्पेंस देखने के लिए। तो आपकी रील्स पर अच्छा खासा वॉच टाइम जाएगा। सभी बंदे, अगर काफी बंदों ने आपकी रील्स शेयर भी करी, ठीक है ना, तो वो बंदा भी वो सस्पेंस देखने के लिए पूरी आपकी वॉच करेगा। तो इसलिए लास्ट में कोई ना कोई सस्पेंस छोड़ो, लास्ट में कुछ ऐसी चीज छोड़ो कि भाई बंदा आपकी वीडियो पूरा देखे। जब काफी बंदा आपकी वीडियो पूरा देखने लग जाएंगे ना, सपोज करो आपने रील्स यहाँ पर डाली, ठीक है ना, आपके एक एवरेज व्यूज आता है 100 व्यूज आता है, मैं 100 व्यूज का एवरेज लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 10 बंदों ने देखी, तो 10 बंदों में से कम 3-1 बंदों ने उसको पूरा वॉच किया, अच्छे से वॉच किया, 2-3 बार वॉच किया, तो धीरे 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 वो आगे पहुंचाएगा। इंस्टाग्राम क्या करता है, सबसे पहले आपके फॉलोवर्स से तो वो पहुंचाता ही पहुंचाता है, ठीक है ना, उसके बाद देता है आपके फॉलोवर्स को कितना पसंद आया, ठीक है ना। आपके अगर 100 व्यूज आते हैं, 100 में से मैं यूं कह रहा हूं 20 बंदों ने भी, केवल 20 बंदों ने भी आपकी रील्स पूरा वॉच कर ली 1-2 बार, तो मैं सही बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम उसे आगे भेज देगा, तुरंत सर्च बार में भेज देगा, और सर्च बार में भेजने के बाद उस पर अगर उन उन बंदों ने भी उस आपकी रील्स को अच्छा खासा वॉच टाइम दे, तो आपकी रील्स धीरे 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 वायरल होने लगेगी। यही एक एल्गोरिथम है, यही एक प्रोसेस है रील्स वायरल करवाने का, यही सेम प्रोसेस था टिकटॉक पे, ठीक है ना, यही सेम प्रोसेस था। तो इसलिए मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ, प्लीज अपने रील्स में लास्ट में कोई सस्पेंस छोड़ो, अच्छी रील्स बनाओ, अच्छी क्वालिटी के बनाओ। जब हम क्या करते, कोई अंधेरे अंधेरे वाली रील्स होते हैं, हम उसको सेव अप कर देते हैं ना, अच्छी क्वालिटी वाले को नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बनाओ, अपनी रील्स बनाओ, ठीक है ना। तो भाई आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो और मैंने आप इस वीडियो में तो ये बता दें कि वायरल होते कैसे, लास्ट में आपको 2 पॉइंट बना दिया। अगर एक पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनानी है कि आपको करना क्या है शुरू से लेकर आखिर तक, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो श्रद्धा करके चले जाओ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो आपकी श्रद्धा है खुला दरबार है, जो श्रद्धा करके चले जाओ। नहीं मन वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कोई नहीं, ऐसे जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने टाइम दिया इस वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो बस यार आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ मैं रहे प्यार के, और फिर मिलेंगे चलते चलते।